देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोतावा हरदोई में 10 फरवरी 2022 बेतुआ नाले में हत्या कर शव फेंका गया था। अमित के घर वालों का यही कहना है कि उन्होंने हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। कोतावा अतरौली रोड पर लगाए गए जाम को लेकर पुलिस की काफी माथापच्ची करनी पड़ी। किसी तरह कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए सबको सड़क से हटाया गया, तब कहीं जाकर जाम खुलवाया जा सका है। सबका अंतिम संस्कार कराया गया। बताते चलें कि बैरीगंज कोतवाली के रैपालपुर निवासी रामप्रसाद का पुत्र अमित कुमार चंडीगढ़ में काम करता था। उसकी पत्नी कई महीनों से अपने ननिहाल संडीला कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुर में रह रही थी। बच्चों के बीमार होने की खबर सुनते ही अमित चंद्रपुर पहुंच गया। पिता रामप्रसाद के मुताबिक अमित 3 फरवरी को पत्नी सरोजनी के ननिहाल गया, जहां पर विदा कराने के बाद पर सरोजनी और उसके मामा सुखेंद्र राम खिलावन व सुरेंद्र के साथ अमित की कहा सुनी हो गई। इसके बाद से अमित का कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को अमित का शव चंद्रपुर के बगल में मथुरागढ़ी के पास बेतुआ नाले में पड़ा पाया गया। घर वालों ने आरोप लगाया था कि अमित की उसकी पत्नी और ममेरे ससुर से मिलकर हत्या का अंजाम दिया गया। इधर बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर पर गहरी चोट लगने से मौत होने की बात कही थी। अमित की हत्या रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसके घर वालों ने कोतावा अतरौली रोड पर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। इसका पता होते ही बैनीगंज SHO इंद्रजीत सिंह चौहान अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक समझाया लेकिन कुछ हल नहीं निकला। काफी माथापच्ची करने के बाद चौहान ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाम खुलवाया गया। इसके बाद सबका पोस्टमार्टम कराया गया। रैपालपुर के अमित की हत्या की गई। पिता रामप्रसाद ने बैनीगंज के कल्याण मल पुलिस चौकी में तहरीर देते हुए अमित के ममेरे ससुर सुखेंद्र राम खिलावन व सुरेंद्र के खिलाफ की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसकी मांग की है कि रामप्रसाद का कहना है कि वो अपने पहले चंद्रपुर में अमित के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद मैं वह सरोजनी के ननिहाल नहीं जाता था। अमित के मामले को लेकर बैनीगंज SHO इंद्रजीत सिंह चौहान का कहना है कि कानून को खिलौना समझने वाले को किसी PR हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मौत से जुड़े हुए पहलू की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है, जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। जो भी गुनहगार होगा उसे किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दशहरी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा का कहना है कि सभी किसान संगठन जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर SSP पश्चिमी क्षेत्र अधिकारी संडीला आदि से बात हो चुकी है। अगर हत्या का मुकदमा जल्द पंजीकृत नहीं किया जाता है तो आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।